गोरखपुर जिले में शुक्रवार को 184 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,989 हो गई है। इनमें से 278 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,088 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1623 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, अगर शहर की बात करें तो 97 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सबसे अधिक 30 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 11, शाहपुर थाना क्षेत्र में 28, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में 8, कोतवाली में 8, गुलहरिया में 5, राजघाट में 3, चिलुआताल में 3, तिवारीपुर में 1 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 68 नए मरीज मिले हैं। इनमें बांसगांव में 2, ब्रह्मपुर में 2, चरगावा में 12, खोराबार में 14, कैंपियरगंज में 1, पिपरौली में 10, पिपराइश में 5, सहजनवा में 4, पाली में 1, भटहट में 2, गगहा में 2, बेलघाट में 1, खजनी में 7, उरवा में 5 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 19 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।